और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पर एक बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। 2 से 3 आतंकवादियों के हमला करने की आशंका है। कार में विस्फोटक के साथ ये हमला कर सकते हैं, दिल्ली के स्पेशल सीपी क्राइम का बयान है। आतंकियों के निशाने पर स्टेशन और एयरपोर्ट हैं। बनिहाल सेक्टर से दाखिल हुए हैं ये आतंकी। जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट की कार इन आतंकियों के पास है और इसमें विस्फोटक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट को ये आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। दिल्ली पर बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के स्पेशल सीपी क्राइम ने ये बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 2 से 3 की संख्या है आतंकियों की, जो कि बनिहाल के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुए हैं। इनके पास जो गाड़ी है उसमें जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट लगी हुई है और एक ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट को ये निशाना बना सकते हैं। विस्फोटक भी है इनके पास, कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लदा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये इसी विस्फोटक से हमला कर सकते हैं। तो इस वक्त एक ये बड़ी खबर, दिल्ली पर एक बड़ा आतंकी खतरा, क्योंकि 2 से 3 आतंकवादियों के दिल्ली में दाखिल होने की पुख्ता जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है। दिल्ली के जो सीपी क्राइम है उन्होंने ये बयान दिया है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो बनिहाल सेक्टर के रास्ते दाखिल हुए हैं दिल्ली में और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश इनकी है। तो दिल्ली पर यह बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी है। पठानकोट के बनिहाल सेक्टर में दाखिल हुए हैं ये 2 से 3 आतंकी। गुरदासपुर के रास्ते दिल्ली की ओर निकले हैं आतंकवादी। आतंकियों की पास स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट लगी हुई है। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और मेट्रो स्टेशन को भी ये आतंकी निशाना बना सकते हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता पवन मिश्रा का। पवन, काफी पुख्ता ये इनपुट्स सीपी क्राइम ने जिस तरह से कहा है, इसको देखते हुए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बढ़ाई गई है और कितनी गंभीरता से इस इनपुट को लिया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत ही गंभीरता से उसको लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय से ही पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला हो रहा है जम्मू कश्मीर के इलाकों में अगर आप देखा जाए। उसके बाद ये जो जानकारी, खुफिया जानकारी मिली है और इसके बाद जो अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि इससे पहले भी खुफिया विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो बिल्कुल सच्चाई सामने आई थी और क्राइम ब्रांच और स्टेशन सेल ने काफी धरपकड़ भी किया था, 15 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था इससे पहले। अब एयरपोर्ट, मेट्रो और रेल की सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी कर दी गई है, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और जोड़ने वाले जो बॉर्डर हैं वहाँ भी सिक्योरिटी काफी तेज कर दी गई है और अलर्ट के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक पुलिस की एक टीम बनाई गई है और सभी इलाकों में जहाँ ये अलर्ट जारी किया है वहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी सघन चेक किया जा रहा है, कहीं कोई कैमरा खराब तो नहीं, अगर कोई खराब है उसे तुरंत ठीक भी किया जा रहा है। तो एक सूचना दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और खुद आम लोगों से भी अपील की गई है आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।